चलो अच्छी बात है कि ठीक है, मतलब यू हैव टू प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू डिड इट बाय योर सेल्फ। इन फ्यूचर आप कह सकते हो मैंने जब पहला वो कलर टोन्स बनाया था मेरी टीचर ने तो कंपास यूज की थी बट आई डिड इट बाय माय सेल्फ। राइट, यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके, तो अब यू करेंगे, अब अपनी पैलेट में ना आप रेड कलर लो, ठीक है, और उसकी साइड पर व्हाइट कलर लो। ब्रश आपने छोटा यूज करना है, स्मॉल ब्रश, फ्लैट ब्रश यूज करना है। ब्रश का साइज मुझे दिखा दें आपका एरिया, अगर स्मॉल एरिया है आप हमेशा स्मॉल ब्रश यूज करें, ठीक है, अगर एरिया बिग एरिया है तो फिर आप उसको एक वाइड ब्रश आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। टिश्यू पेपर होगा आपके पास। अब आपने अपना ब्रश जो है सबसे पहले उसको वाटर में डिप करें, ठीक है, आपका ब्रश वेट हो गया है, उसमें थोड़ा सा ये रेड कलर लें, किसी भी जगह से आप इसको स्टार्ट करें और इसको ये जो लास्ट वाला एरिया ना ये वाला, इसको आप रेड कलर से फिल कर दें पूरे को, कंप्लीटली यू शुड फिल दिस एरिया विद रेड कलर। करेंगे अब आपने इसमें ये जो रेड है ना, आप समझने की बात है, आपने थोड़ा सा रेड लेना है इस जगह पर, ठीक है, ओके, सेपरेटली यहाँ पर। उसके बाद आपने थोड़ा सा बिल्कुल व्हाइट लेना है और इसमें मिक्स करना है बिल्कुल। ये अभी भी ये बहुत ज्यादा व्हाइट मैंने ऐड कर दिया, मुझे थोड़ा और रेड मिक्स करना है, सिर्फ मुझे ग्रेजुअली जो है ना में कलर को चेंजेस लाने हैं। अब आपने ये रखना है ये अपने पास ना, ये वाला कलर देखिए, आपको ये कलर जो है ना ये मिक्स कर, देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है आपके इसमें रेड में और इसमें। अब इसको हमने इधर यहाँ पर इसका सेकंड जो है इसके सामने इधर इसमें इसको करते मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, तो मैं इसमें थोड़ा सा और व्हाइट मिक्स करूंगी। अच्छा, अभी इसमें ये जो कलर है हमने कर लिया आपने, ओके, अब यही जो इस ये वाला जो जिसमें हमने रेड और व्हाइट मिक्स किया था हमारा जो ये वाला कलर टोन है, इसमें मैंने और व्हाइट मिक्स करूंगी। देखो अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ठीक, और अब इसको थर्ड इसमें चले जाएंगे, इसमें और थोड़ा रेड होना चाहिए। ठीक हो गया, अब इसमें अब आगे और थोड़ा मिक्स करेंगे व्हाइट और इसमें नेक्स्ट इसमें चला जाएगा। अब इसमें और व्हाइट मिक्स करेंगे, अब हम स्लोली स्लोली जो है ना इसके एंडिंग पॉइंट तक जा रहे हैं। ये आपको पता चल गया कि पिंक कलर कैसे बनता, हमारे उस कलर व्हील में पिंक कलर नहीं था, नहीं बना था ना, पिंक कलर भी नहीं था, स्काई ब्लू भी नहीं था, तो उसमें से नजर आ रहा होगा कि स्लोली स्लोली ग्रेजुअली हम जो है व्हाइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम और व्हाइट मिक्स करेंगे इस जगह पर, और यहाँ पर करेंगे, आमतौर पर होता ही है कि इसके तकरीबन ना 12 सर्कल बने ग्रेडियंट्स ना, तो फिर उसके बाद आपको बिल्कुल जब आप अपने ये लास्ट पर आप पहुंचते हैं ना, तो ये टोटली व्हाइट हो चुका हुआ होता है,
जैसे कहना कि बिल्कुल जैसे लाइट जिसको कहा जाए ना कलर, ये वाला यहाँ पर एक्चुअली तो कंप्लीटली व्हाइट आना चाहिए। देखा अब आपने, ये देखो कलर जो है वो कैमरे में आपको पता चल रहा है कि स्लोली स्लोली जो है ना वो लाइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। जब आप पेंटिंग करते हैं, आपने सनशाइन दिखानी है, आपने ग्रेडियंट दिखाने हैं, आपने वॉल कलर दिखाने हैं, आपने फेस कलर दिखाना है। अब फेस जो होता है उसको बनाने के लिए हमेशा हमें ग्रेडियंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लू कलर ले, अब आपने जो अपना आपका जो मेन कलर था उसी में आप व्हाइट मिक्स करते जाओ, और आप ग्रेजुअली जो है जब आप लास्ट पे पहुंचेंगे तो वो बहुत लाइट कलर हो जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि हमने डार्क टू लाइट कैसे जाना है। ठीक है, हो गया। नहीं दिखाएं बाप, जो रेड का है, रेड टोन्स दिखाएं मुझे। वेरी गुड। लेकिन ये जो लास्ट जो कलर था वो जो आपने बहुत वाइट कर दिया, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, बहुत अच्छा बन गया, अच्छा बन गया। लेकिन जो लास्ट वाला ना उसमें आपको और चाहिए था वाइट मिक्स करते, है ना। चलो आप ब्लू कलर ले, और एक बार अपने फ्री टाइम में इसको दोबारा बनाना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो हम अभी जो सीख रहे हैं ना, बस ये आपकी पेंटिंग जो है ना इसी पर डिपेंड करती है। थोड़ा सा बिल्कुल, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो लास्ट वाला जो पोर्शन है उस पर आपने ब्लू कलर कर, इसी आंसर। हो गया स्टार्ट, आपने कर लिया ब्लू कलर से। वेरी गुड। अच्छा, अब आपने जो आपका ये जो मेन कलर है इसमें से आप फिर वही थोड़ा सा कलर लें, इसमें मिक्स करें व्हाइट को, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा मिक्स करें। ठीक है जी, ये हमें जो है ये कलर है हमारा सेकंड। ठीक है, आपको अपने पैलेट से ही पता चलेगा कि हाँ जी अब ये वाला कलर है, तो अब ये वाला कलर में इतना मैंने व्हाइट मिक्स किया ताकि मैं उसको अपना सेकंड टोन में उसका शो कर सकूं। हो गया सही, आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही मेरी। ये बार आपका ब्रश ये बड़ा नहीं है, आपने सबसे छोटा ब्रश लेना है। अब मैंने येलो कलर भी स्टार्ट कर दिया, आपका ब्लू हो गया।
अच्छा, और जहां पर आपको लगे कि आपका जो ब्रश है ना वो सही अच्छे तरीके से मूव नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप उसको ब्रश को हमेशा पानी में डिप करें, ठीक है। तो ये इससे फिर होगा ये कि आपकी पेंटिंग जो है वो अच्छी और स्मूथ रहेगी। ब्रश को कभी भी ऐसे नहीं पकड़ो, ये आपका पेंसिल नहीं है, ठीक है। तो दिखाइए, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब, अच्छा लग रहा है। क्योंकि असल चीज जो होती है, आप इसको दूर से रख के देखें तो आपको पता चलना चाहिए कि डार्क से ये लाइट की तरफ को रन कर रहा है, ठीक है। जब ये ऐसा कर रहा है ना, इट मीन दिस इज गुड, ओके। अभी हम अगला कलर लेंगे। हमेशा ब्रश को वॉश करो, ओके, और उसके बाद इसको टिश्यू पेपर से साफ करो, अच्छी तरह चेक करो। हाँ जी, अब मेरे ब्रश में अब वो कलर नहीं आ रहा, मेरे में भी तक आ रहा है, यहाँ से, ओके, दिस इज गुड। अब मैं नेक्स्ट कलर लूंगी, आपका ये ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। कौन सा वाला, पीच कलर, ऑरेंज। वेरी गुड। हाँ, उसमें पीच नजर आ रहा है ना, कि अब आपको पता चल गया कि पीच कलर कैसे बनता है। मतलब अक्सर ये बात सोचे कि था पीच पे पता नहीं कैसे बनता है, तो ये उसमें अब आपकी कलर पैलेट, इसमें अब आप सीखते जाओगे क्या लाइट कलर में हमें कौन कौन से नए कलर मिलते हैं, और वो जो कलर व्हील है, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स हैं, उसमें हमें कौन कौन से कलर मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको टर्कुआज नहीं मिलेगा, टर्कुआज आपको कलर व्हील, जो आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स है उनमें मिलेगा कलर्स, कलर टर्कुआज, इसमें टर्कुआज नहीं मिलेगा। क्योंकि टर्कुआज बनाने के लिए हमें कौन कौन से कलर चाहिए, सोचो बस ऐसे। कौन से कलर चाहिए टर्कुआज बनाने के लिए? कुछ आइडिया है? नहीं, हमें ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, उसमें फिर व्हाइट चाहिए, ठीक है। चले अब आगे, अब हम ये नेक्स्ट, हमारा ये ग्रीन हो गया।
ये प्योर ग्रीन नहीं, ये विरिडियन है, लेकिन जो भी कलर आपके पास ग्रीन है आप उसको यूज कर सकते हैं अभी इसको। पहले तो फिलहाल हम इसका जो बेसिक है वही करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखिए इसका साइज क्यों छोटा कर दिया है, अच्छा बन गया है, लेकिन ये इसको इसकी विड्थ कितनी छोटी कर दी है, सबका बराबर की विड्थ नहीं है, इसका एरिया क्यों इतना कम कर दिया है। कोई बात नहीं, चले अब हम यू करते हैं, अब हम पर्पल कलर को बनाते हैं। ठीक है, अभी पर्पल कैसे बनाना है, आपके पास है रेडीमेड पर्पल? चेक करो अपनी ट्यूब्स, चेक करो, नहीं अब इसको नहीं, इसको इसको जितना कर लेंगे काफी है। ठीक है, अब कलर चेंज हो जाएंगे, नहीं तो आप वो कैसे बनाओगे दोबारा कलर वो सारे, मुश्किल है ना, इसको तो बहुत टाइम लगेगा। अभी इसको रहने दो, अब आप पर्पल आप चेक करो आपके ट्यूब्स में पर्पल है रेडीमेड कलर्स में, बॉक्स में आपके। नहीं है, है पर्पल की नहीं है, नहीं है तो फिर हम यू करते हैं, अपने कलर बनाते हैं, मेरे पास भी नहीं है। फिर हम क्या करेंगे कि आपके पास ये, आपके पास ऑलरेडी ये हमारे पैलेट में था, रेड भी था और ब्लू भी था। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, आपका ये थोड़ा सा रेड लेंगे, अगेन बहुत थोड़ा कलर मिक्स करना है ब्लू का, और इसमें आप मिक्स करें। अच्छा जी, तो ये मुझे लग रहा है ये बिल्कुल ठीक पर्पल बना है। ठीक है, अब इसको मैं अप्लाई करती हूँ अपने इसमें कलर टोन्स में, लास्ट में मिक्स होना चाहिए। अब सही है, ये आपका यहाँ से आपने स्टार्ट कर।
लास्ट में जो मैं अपना ये ब्लैक कलर लूंगी. आपने किया पर्पल दिखाइए. अच्छा है, गुड. तो ये बीच में ये डार्क क्यों आ रहा है लाइन? ये मुझे क्यों लग रही है कि डार्क बीच में आया है? क्या हुआ था यहाँ पे? ठीक है, हो गया सही. अच्छा, अब मैंने ब्लैक कलर लिया. ठीक है, अब अगेन इसको सबसे पहले वैसे ही जो ओरिजिनल कलर है उस पर ही हम करेंगे. कलर करें थोड़ा सा व्हाइट लेंगे, इसमें इसको मिक्स करेंगे. वेरी गुड. एट क्यों रह गया बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यों रह गया बीच में? व्हाइट क्यों रह गया? उसमें आप यूं करो कि कल जो है ना, अब हम यूं करेंगे, अब आप अच्छे से सर्कल अब खुद से ड्रॉ करके रखना पहले से. ठीक है, आज हमारा काफी टाइम जो था ना सर्कल ड्रॉ करने में लग गया, लेकिन कोई बात नहीं. अच्छी चीज ये है कि इन केस के अगर आपके पास कंपास नहीं है, कोई राउंड ऑब्जेक्ट आपके पास है, तो आप उससे कैसे छोटे बड़े सर्कल आप कैसे बना सकते हैं, आपको ये बात पता चल जाएगी. इससे काफी ये चीजें जो है ना, ये आपकी बहुत हेल्पफुल होती है कि हाँ हमारे पास I don't have that thing, so how can I use another thing for making my project? Okay, तो एक चीज ये. और कल आपने जो है ना, अब कल फिर हम इसमें इन सब कलर्स में दोबारा यही कलर्स यूज करेंगे, लेकिन नॉट विद वाइट, विद ब्लैक कलर. इसको जो वाइट कलर्स में आते हैं उसको हम टोन्स कहते हैं, और जो ब्लैक कलर्स में आते हैं उनको फिर हम शेड्स कहते हैं. ठीक है, याद रहेगा? ओके ओके, चलो ओके, गुड बाय, गुड नाइट, लव, लव, बेस.